बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 को करेंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की यह प्रतिमा नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के नजदीक स्थापित की गई है। यह स्मारक जब बनकर तैयार होगा तब विश्व के गिने चुने स्मारकों में होगा। इस स्मारक के उद्घाटन समारोह के अवसर पर होने वाले समारोह का निमंत्रण लेकर गुजरात का एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ पहुंचा। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलकर उन्हें समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसके अतिरिक्त इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उल्लेखनीय है कि 182 मीटर ऊंचा गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल का स्मारक है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशाल काय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू या मूर्ति 152 मीटर की चीन में स्प्रिंग टेंपल बुद्ध है। उससे कम दूसरी ऊंची मूर्ति भी तथागत बुद्ध की ही है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। बुद्ध की यह मूर्ति सन 2008 में म्यांमार सरकार ने बनवाई थी। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति भी जापान में भगवान बुद्ध की है। इस बुद्ध मूर्ति की ऊंचाई 116 मीटर है। देखते रहिए पल पल की आपके लिए यह खास रिपोर्ट। तो पूरा का पूरा जीवन, ऑडियो वीडियो फोटोग्राफ्स ये सब वहीं पर होगा। म्यूजियम पर इतना बड़ा हम बना रहे हैं। आपने देखा कि ये 17 किलोमीटर की फ्लावर वैली हम बना रहे हैं सुशोभन की। यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो कुछ जानने के लिए आते हैं, आनंद प्रमोद के लिए आते हैं, तो ये सब एक ही साथ में मिले। हम जब विदेश में जाते हैं तो फिर यहाँ आकर बात करते हैं, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कितना बड़ा है, वो गौरव लेते हैं और हम देखकर गौरव लेते हैं। और अपने मन में एक विचार भी आता है, महसूस भी करते हैं कि मेरे देश में भी ऐसा हो तो, ये विचार आता है। तो नरेंद्र भी ने ये पूरे देश के गौरव की बात भी की है। हमने यहाँ पर एक श्रेष्ठ भारत एक रेस्ट हाउस बनाया है, उसका नाम भी हमने श्रेष्ठ भारत भवन बनाया है। ये सदियों तक रहेगा, तो हमने सोचा कि आप भी यहाँ आएंगे, यहाँ वहाँ पर आएंगे। तो एक मुख्यमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री के ऊपर एक पत्र लिखा है कि जैसे दिल्ली में आपका हरियाणा भवन है, ऐसे हरियाणा भवन, पंजाब भवन, यूपी भवन, एमपी भवन, ये इस प्रदर्शनी के आजू बाजू में हो। तो मुझे ये जानकर खुशी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी लेटर लिखकर, आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हरियाणा भवन भी वहाँ पर केवड़िया कॉलोनी के आसपास बनने जा रहा है। कितनी ऊंचाई है, कितना लोहा है, कितना जो इंस्ट्रूमेंट हमने लगाए हैं सब आपने देखा है, मैं रिपीट नहीं करता हूँ। मगर रोजगार का जब तक सोचा जाए तो पूरे गुजरात के बाहर से जो आए हैं उनके लिए भी पूरी सुविधा रोजगार के माध्यम से, सुविधा के माध्यम से भी हम करना चाहते हैं वहाँ। आज मैं हरियाणा के लोगों को, आप सबको मिलने आया हूँ। शाम 4 बजे माननीय राज्यपाल महोदय को भी मैं पर्सनली मिलकर मेरे दोनों साथियों के साथ न्योता देने जा रहा हूँ।
5 बजे मैं माननीय मुख्यमंत्री को मिलकर भी न्योता देने जा रहा हूं। 31 अक्टूबर को सरदार साहब की 142-43 की जन्म जयंती है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी 31 को आएंगे और अनावरण करेंगे। 31 के बाद 1 नवंबर से पूरे देश और विदेश से बाकी लोग वहाँ पर आएंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा को भी न्योता देता हूँ कि 1 नवंबर के बाद आप सब भी वहाँ पधारें।